जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स के लाइव सेशन में आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। जाहिर तौर पे जहां जहां बारिश हुई है, जहां जहां बदरा रानी छाई हुई है, वहां वहां कनकनाती ठंड आप लोगों को जरूर परेशान कर रही होगी। और आज हम लोग पहुंचे हैं झील परिसर में। हृदय स्थलीय कहलाता है हजारीबाग का। हालांकि चाहे देश की राजधानी की बात करें या झारखंड की राजधानी की, बारिश हुई है और कई ऐसे झारखंड के जिले हैं जहां पे वज्रपात होने की भी संभावना है। उन जगहों को येलो अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिलहाल चूंकि हृदय स्थलीय में हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन है उसमें नमी मिल रही है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन में, और इस वजह से ये ठंड बढ़ी है। घबराना नहीं है, लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। फिलहाल एक नजारा दिखाना चाहूंगी। यहाँ कुछ लोग जो है शॉल वॉल ओढ़ करके खड़े हैं और ठंड का आनंद ले रहे हैं। कई लोग सामने से उधर देखेंगे, वीडियो भी शूट कर रहे हैं हमारा। और यहाँ रोमांचक हुआ है बिल्कुल, हजारीबाग झील परिसर। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या करते हैं अभी फिलहाल? अभी 12th का इंटर का पढ़ाई करते हैं। कैसा मौसम है हजारीबाग झील का? तो बहुत अच्छा, सुहाना है, इसीलिए मजा लेने आया है झील का। अच्छा, ये ठंड अचानक बढ़ गई तो क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? ठंड बढ़ गई है तो वही मोटा मोटा कपड़ा अपना, कैप नहीं पहन रहे हैं, कुछ जैकेट वगैरह वैसे नहीं पहने, मफलर नहीं पहनना है, वही हीरो बनती करना है। हम तो वही कैमरा के सामने में, हमारे कैमरा पर्सन देखिए उनका फेस बस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, जैसे थोड़ा सा बढ़ाते, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अभी कॉलेज से आए तो इसलिए अभी थोड़ा सा फोटो वोटो वगैरह लेने के लिए मोफरल उफरल अभी नहीं है। बाकी बात ठंड से बचने के लिए तो पहनना जरूरी है वो सब, क्योंकि ठंड को। मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया। या एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो क्या लग रहा है, क्यों बढ़ी है ठंड अचानक इतना ज्यादा? जी, जैसा कि हमको न्यूज में भी देखे थे कि बंगाल खाड़ी में जो हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो इसमें नमी पाई जा रही है और बारिश भी कई जगह हुई है, हजारीबाग में बारिश का आनंद लिए कि नहीं? आनंद लिए है, और साथ में ये जो इतना अच्छा मौसम किया हुआ है, दिल तो ऐसा लग रहा है गार्डन गार्डन हो रहा है इतना बढ़िया मौसम देखकर, पूरा मस्त। यही सब ऐसा है मौसम, विंटर में अगर इस टाइप का मौसम न करे तो फिर विंटर का क्या फायदा? सही बात है, हर मौसम की अपनी अलग पहचान है। और थैंक यू सो मच, क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी, बहुत शुक्रिया। आपको मैं झील परिसर दिखाना चाहूंगी। ये पूरा झील जो है, पेड़ देख रहे हैं लाइन से, इस तरह से ही बरसों से यहाँ पर लगी हुई है, और पत्ते जिस तरह से खूबसूरत खूबसूरत जमीन पर गिरे हुए हैं, जिस तरह से कुछ नाव यहाँ पर खड़े हैं और झील की शोभा बढ़ा रहे हैं, मतलब यूं कहें कि झारखंड का जो हजारीबाग है वो पिकनिक स्पॉट के रूप में या फिर ठंड का आनंद लेने के रूप में। और अभी आप ठहरिए, अभी जो है जब ये कनकनाती ठंड में, ठंडी ठंडी हवा में जब धूप पड़ेगी तो और ज्यादा आनंद लेने के लिए झील परिसर में लोग यहाँ पर आएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि जो एडवाइजरी जारी की गई है वो ही मुख्य उद्देश्य है आप तक पहुंचाने का। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो किसान भाई है, अभी धनकटनी के बाद जो है छटाई का पूरा जो रोल है वो चल रहा है कृषि में, और ऐसे में उनको ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप धान को बचाना चाहते हैं तो घर ले जाएं, क्योंकि ये मौसम जो है वो थोड़ा बेईमान हुआ पड़ा है। फिलहाल कुछ और भाई लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? सुमित। कैसा सुमित है ठंड का मौसम? ठंड तो बहुत है, आपको दिख ही रहा होगा। तो कैसा आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, झील की खूबसूरती के बारे में क्या बोलेंगे? झील तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ मतलब पूरा नजारा ही अलग ही रहता है, अलग ही रहता है, बहुत अच्छा नजारा रहता है, पर ठंड का भी उतना ही एहसास होता है, आनंद भी उतना ही आता है, आनंद भी उतना ही आता है। अभी बारिश के बाद का क्या हाल है ये बताइए? बारिश के बाद तो मौसम एकदम बहुत सुहाना सुहाना सा हो रहा है, एकदम ठंड में जो ये कनकनी वाला ठंड है वो बढ़ गया है। कनकनी बढ़ गया, मजा भी आ रहा है अपना, ठंड का भी अलग मजा है, गर्मी का भी अलग मजा है। चलिए, युवा तो मजा ले रहे हैं, लेकिन बच्चों से, खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, उन लोगों से, उनके गार्जियन से ये अपील है हजारीबाग अपडेट्स की, बुजुर्गों के लिए ये अपील है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और बहुत सारा ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म खाना खाएं, ठंडा खाना, ठंडा पेय पदार्थ और जो ठंडे जूस होते हैं या जो चीजें ठंडी करती हैं उन चीजों से परहेज करें, क्योंकि अभी वायरल भी ठंड में जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा सा हुआ तो फिर वो लंबे टाइम तक आपको बीमार कर देगा। फिलहाल आप झील की खूबसूरती देखिए और देखिए कि किस तरह से जो पंछी हैं वो झील में इंजॉय कर रहे हैं, लोग जो है किस तरह से झील में इंजॉय कर रहे हैं।
और ऐसे में बंगाल की खाड़ी में जो नमी मिली है साइक्लोनिक का सर्कुलेशन को लेकर के, इस वजह से कई जगहों पर बारिश हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कल से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही कह दिया था कि 8 तारीख और 9 तारीख को झारखंड के कई इलाकों में भी जो है हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और सुबह से ही जो राजधानी रांची में बारिश हो रही है लगातार, इसे लेकर के जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। जो वाहन जो चलाते हैं जो भी लोग, उन लोगों को विजिबिलिटी में भी थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बिल्कुल फॉगी जो है मौसम हो गया है, कुहासा बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे लेकिन इस तरह से जो युवा है वो भी काफी ज्यादा आनंद उठाते जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि फसल को नुकसान ना हो इस वजह से अन्नदाताओं को सलाह बार बार दी जा रही है और इस वजह से हम लोग भी कह रहे हैं कि जो मौसम में गिरावट हुई है उस वजह से तापमान में गिरावट हो गई है। और जो रांची के निदेशक अभिषेक आनंद है उनके अनुसार भी एडवाइजरी जारी किया गया है कि तापमान में जिस तरह से न्यूनतम हुआ पड़ा है तापमान, जो अन्नदाता है वो अपने अपने धान को घर ले आए क्योंकि ये मौसम थोड़ा बेईमान हुआ पड़ा है, कभी भी हल्की फुल्की बारिश कहीं भी हो सकती है। और फिलहाल तो हजारीबाग झील से हम लोग लाइव आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे, आप लोगों के ढेर सारा ख्याल रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन आप कहां से ये वीडियो लाइव देख रहे हैं फटाफट से कमेंट कीजिए। और सबसे पहली चीज कि वहां के मौसम का हाल कैसा है, वहां पे मौसम कितना बेईमान हुआ है, ये कमेंट में जितना लंबा आप लिख सकते हैं हम उसको जरूर पढ़ेंगे। उसका आप कमेंट का जो है हमारी आईटी टीम इंक्लूडिंग मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगी आप तक, बिकॉज आप जो है हजारीबाग अपडेट्स की पूरी फैमिली है जिस वजह से दिन प्रतिदिन अपार प्रेम हजारीबाग अपडेट्स को, हजारीबाग अपडेट्स के फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल को, वेबसाइट को जिसपे ब्रेकिंग न्यूज हम लोग आप लोगों के लिए डालते हैं, जो स्टोरीज डालते हैं, और हजारीबाग अपडेट्स का जो विंग है एचयू डिजिटल्स आप लोग सर्च करेंगे उसको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, उस पे भी आप लोग अपार प्रेम दे रहे हैं जिसपे देश दुनिया की खबरें, इन्फॉर्मेशन और जो टेक्निकल चीज है, जो दाम में गिरावट या चढ़ाव है चीजों को लेके, धातुओं को लेके, फोन्स आप लोगों को बहुत पसंद है, बाइक्स बहुत पसंद, इन चीजों को लेके हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा अपडेट रहे, तो उन जगहों पर आप लोगों का अपार प्रेम मिलना तय है जाहिर तौर पर। इसी के साथ जो है इजाजत दीजिए, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके अपने शहर का हाल कैसा है और इस बार पिकनिक मनाने के लिए आप कौन सी जगह चूज कर रहे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, ढेर सारा प्यार बनाए रखिए, शुक्रिया।